मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा के सभी विधायकों को नगरीय निकाय चुनाव में जुटने के लिए और उनके क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशियों को जिताने की जिम्मेदारी सौंपी है। सोमवार की शाम लोकभवन में आयोजित भाजपा विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री ने विधायकों को सदन में सक्रिय रहकर विपक्ष को करारा जवाब देने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने प्रयागराज कुंभ 2025 की तैयारियां शुरू कर दी हैं। अनुपूरक बजट में भी प्रयागराज कुंभ के लिए प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि 2019 कुंभ के आयोजन की विश्व स्तर पर प्रशंसा हुई थी। 2025 के कुंभ मेले का उससे भी बेहतर और भव्य आयोजन किया जाएगा। सीएम योगी बोले, कुंभ में आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु की सुविधाओं का खास ख्याल रखा जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव को लेकर वार्ड और अध्यक्षों का आरक्षण निर्धारित हो गया है। सभी विधायक अपने क्षेत्र के चुनावी तैयारियों में जुट जाएं। पार्टी जिसे भी प्रत्याशी बनाए उसे चुनाव जिताएं। उन्होंने कहा कि सभी नगर निगम और निकायों में भाजपा का बोर्ड बनना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि 10 से 12 फरवरी तक लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया जा रहा है। इसमें 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश का लक्ष्य है। इससे लाखों युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। बैठक में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, बृजेश पाठक, संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना, अपना दल के आशीष पटेल, निषाद पार्टी के संजय निषाद मौजूद रहे। जानकारी के लिए बता दें कि बीते 5 दिसंबर को मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में सोमवार शाम 6 बजे तक 54.37% मतदान हुआ था। वहीं रामपुर विधानसभा क्षेत्र उपचुनाव में सबसे कम 33.94% और खतौली में सबसे अधिक 56.46% मतदान हुआ। उपचुनाव में एक एक मतदान को लेकर भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच कशमकश चलती रही। जिलों से लेकर लखनऊ तक शिकायतों का दौर भी चला। उपचुनाव में छिटपुट झड़प और नोकझोंक को छोड़कर मतदान शांतिपूर्वक रहा। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव और भाजपा के रघुराज साक्य के बीच सीधा मुकाबला हुआ। हालांकि वहां पर कुल 6 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा है। लोकसभा क्षेत्र के मैनपुरी, करहल, भोगांव, किशनी और जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र में सुबह से ही सपा और भाजपा के कार्यकर्ता मतदाताओं को लाने में जुट गए। सपा ने जिला निर्वाचन अधिकारी से शिकायत कर भाजपा पर सत्ता के संरक्षण में सपा के मतदाताओं को डराने और मतदान नहीं कराने देने का आरोप लगाया। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।